एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मशीन का कवर, क्योंकि मशीन को अगर हम कवर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्क्रैच इसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये दराज से परचेज़ किया था। 500 रुपीज़ में ये मुझे मिला है, 500 कुछ समथिंग, मेरा ख्याल 510 या 505 रुपये में ये मुझे मिला है। ऐसा है हमारी मशीन को पूरा आता है या नहीं। वैसे तो मैंने उन्हें बता दिया था कि 12 kg की है। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसी है, इसका कवर इस पर पूरा आता है या नहीं आता। इस तरह इन्होंने धागा दिया हुआ है इसको फिट करने के लिए। अब मैं देखती हूँ कैसे इसे इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं इसे फिट कर रही हूँ। बहुत सस्ते में ये कवर आया है, 510 रुपीज़ में या 500 ही आप लगा लें। एग्जैक्ट कीमत मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, एग्जैक्ट कीमत। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कवर आया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। कवर हमारा बहुत अच्छा आया है और देखिए बिल्कुल इसने मशीन को कवर कर लिया है। और ये यहाँ पर जनाब इन्होंने जिप दी हुई है। अभी हम जिप खोल कर देखते हैं कि जिप खोल कर कैसा होता है। अब ये है कि जिप ज़्यादा आप ना खोलें, कम खोलें तो फिर इसका सही रहेगा। अगर ज़्यादा खोलेंगे तो वो पीछे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने जिप खोलनी है। ये देखिए ज्यादा मैंने जिप नहीं खोली, ये यहाँ से आप उठा लें, थोड़ी सी जिप खुलेगी। ये जिप खुल गई हमारी। ये देखें वाशिंग मशीन हमारी नीट एंड क्लीन रहेगी। ये देखिए वाशिंग मशीन का कवर बहुत अच्छा आया है और बहुत सस्ते में ही आया। पैराशूट का ये कपड़ा है, जैसे एसी को कवर करने के लिए कपड़ा मिलता है ना, सेम वही कपड़ा है। और इसने वाशिंग मशीन को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब मैं इसे बंद करके आपको दिखा रही हूँ कि जब काम हमने कर लेना है वाशिंग मशीन का तो कैसे ये जनाब पैक हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर मैं इसे पैक कर रही हूँ। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ पैक करते हुए। ये देखें यहाँ पर जिप हम बंद कर देंगे तो ये अच्छे से पैक हो जाएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिप भी इसकी अच्छी लगी हुई है, लो क्वालिटी की नहीं है, बहुत अच्छी जिप लगी हुई है। ये देखिए वाशिंग मशीन बहुत अच्छे से कवर हो गई है। वाशिंग मशीन का जो पाइप है मैंने वॉशरूम की तरफ किया हुआ। वाशिंग मशीन की तार के लिए हमें यहाँ से होल करना पड़ेगा ताकि तार हमारी बाहर आ सके। अभी मैं होल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये होल होगा और कैसे ये फिट होगी। यहाँ पर मैं होल करूँगी ताकि यहाँ से ये फ़ायदा होगा कि वो जो तार होती है यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये देखें ये तार अटैच करने के लिए यहाँ से ही हम तार को निकाल लेंगे। छोटा सा होल मैंने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ से जनाब निकलता है या नहीं इसका कुछ। ये देखें ये कपड़ा फटेगा नहीं। अब मैं इसे आराम से और ज़्यादा होल बड़ा कर लेती हूँ। मैंने होल कर लिया। अब देखते हैं तार इसके अंदर से बाहर निकलती है या नहीं। मशीन का जो स्विच है काफ़ी बड़ा साइज का है, इसलिए हमें होल बड़ा ही करना पड़ेगा। फिर भी मैंने चले निकाल तो लिया। ये देखें हमारी तार तो निकल आई है, यहाँ पर हमारी तार अटैच हो चुकी है बहुत आसानी के साथ। ये देखें मैंने होल किया है, तकरीबन 2 इंच का मैंने होल किया है तो फिर जाकर इसका ये निकला है। ये स्विच ये बड़ा साइज़ का था इसलिए ये होल मुझे 2 इंच का करना पड़ा। तो जनाब हमारी ये वाशिंग मशीन का कवर तो बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत पसंद आया। ये देखें मैं सब तरफ से आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये पूरा आया है। और यहाँ पर मैंने तार को निकालने के लिए 2 इंच का होल किया। अब बाद में मैं इसे सिलाई सुई की मदद से सिलाई कर लूँगी ताकि इसके जो रेशे है वो ना निकले। उम्मीद तो नहीं है इसके रेशे वैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे पक्का कर लूँगी ताकि ये ज़्यादा फटे ना, क्योंकि मैंने इसको सीज़र से काटा है। वाशिंग मशीन का ये कवर बहुत अच्छा है और 500 में हमें मिल रहा है, तो और हमें क्या चाहिए, बहुत सस्ते में हमें मिल रहा है। आप उन्हें ज़रूर बता दीजिएगा आपने कितने केजी वाली मशीन का लेना है, तो वो आपको सही एग्जैक्ट भेजेंगे। ये देखें बहुत अच्छा इन्होंने मुझे ये कवर भेजा, मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह हमारी वाशिंग मशीन डस्ट सेव होती है, फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा साफ़ रहता है और जनाब इसको उतारो और गीले कपड़े से हम साफ़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप ये परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।